तो गाइज ये है ओल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी का डार्क एडिशन। टाटा ने नेक्सॉन ईवी के अंदर भी डार्क एडिशन को लॉन्च कर दिया है और जो नेक्सॉन नॉर्मल पेट्रोल डीजल की आती है उसके अंदर में भी डार्क एडिशन को लॉन्च कर दिया है। अगर आप नेक्सॉन ईवी को डार्क एडिशन के अंदर में लेना चाहते हैं तो सिर्फ इसका टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में ही मिलेगी, एम्पावर प्लस LR वेरिएंट में। अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो नॉर्मल से 20,000 रुपये महंगी बैठती है। गुड़गांव हरियाणा में 22,20,000 रुपये कॉस्ट करेगा इसका ये एम्पावर प्लस LR डार्क एडिशन। वहीं इसका जो नॉर्मल आता है वो आप लोग का 22,00,000 रुपये कॉस्ट करेगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सिर्फ लॉन्ग रेंज के अंदर ही मिलेगी, मीडियम रेंज के अंदर में आप लोग को नहीं आएगी। वैसे इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को दो बैटरी पैक मिल जाते हैं, एक तो 40.5 का और एक 30 किलोवाट आवर वाला। दोनों के अंदर में जो रेंज है जाहिर सी बात है डिफरेंस आएगी। तो जो इसकी मीडियम रेंज है वो 325 की क्लेम करती है, वहीं जो इसकी लॉन्ग रेंज है वो 465 की क्लेम करती है। तीन चार्जिंग ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, 3.2 जो अपना नॉर्मल घर में रहता है वो, फिर आता है इसके अंदर में 7.2 किलोवाट वाला। वहाँ पे जो ये गाड़ी है फुल चार्ज होने में आप लोग की करीबन 4.5 घंटे लेगी। और एक आता है इसका DC का फास्ट चार्जर, जैसे आपने बाहर देखे होंगे स्टैटिक वगैरह के, उसके अंदर में गाड़ी फुल चार्ज होने में। और इस गाड़ी के अंदर में जो बैटरी और मोटर लगी हुई है IP67 रेटिंग वाली लगी हुई है। इस गाड़ी के अंदर में 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है इसकी बैटरी और मोटर की। वहीं जो इस गाड़ी की कंप्लीट वारंटी है वो 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर की मिलती है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस न्यू नेक्सॉन डार्क एडिशन के अंदर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। गाड़ी की कीज जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, वही लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिलता है। जैसे ही मैं इस गाड़ी को लॉक करूंगा कोई आवाज़ नहीं करती, ORVM जो है गाड़ी के फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करने पर भी जो ये गाड़ी कोई भी आवाज़ नहीं करती, ORVM यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और उसके DRLs देख रहे हो कितने तगड़े स्टाइल से ग्लो करते हैं। और जिसके DRLs है ना इतना पार्टी, आप लोग को ड्यूअल फंक्शन वाला मिलता है जो कि DRLs और इंडिकेटर दोनों का ही काम करता है। डार्क एडिशन के अंदर में जो आप ये कलर देख रहे हो एक्सटीरियर्स में से, तो ये चेंज है यहाँ पे ऑल ब्लैक कलर का कर दिया है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से लग रहा है। और जो इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स हैं ये ना पूरा यहाँ पे ब्लैक नहीं किया है, ये थोड़ा सा ग्रेइश टोन यहाँ पे छोड़ी हुई है, बाकी जो ये वाला पार्ट है ये पूरा आप लोग को ऑल ब्लैक में मिलता है। फ्रंट भी डिस्क है और जो रियर है वहाँ पे भी आप लोग को डिस्क ब्रेक ही मिलता है। वहीं जो इसकी नेक्सॉन आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल लेते हैं ना वहाँ पे आप लोग को चारों डिस्क ब्रेक गाड़ी के अंदर में नहीं मिलते हैं। भाई ब्लैक कलर में टाटा की गाड़ियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार सी लगती हैं। जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो आप लोग को LED वाली मिलती है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर और कैमरा भी जो है इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। जो टाटा का लोगो है ना वो ऑल ब्लैक में नहीं किया हुआ है, ये आप लोग का मतलब ब्लैक किस से ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर में पन्नी चढ़ा दी, ऊपर ये पन्नी नहीं चढ़ाई हुई है, देखने में काफ़ी बढ़िया से लग रहा है। 360 डिग्री कैमरा भी जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, दोनों ORVM के नीचे यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। इनकी क्लैरिटी अंदर जाके दिखा दूंगा। जो गाड़ी की रूफ रेल्स है ये भी आप लोग को ऑल ब्लैक के अंदर ही मिलती है, सनरूफ भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है, जाहिर सी बात है शार्क फिन का एंटेना भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है। और जो इस गाड़ी का डोर हैंडल्स हैं ये आप लोग को ब्लैक के साथ में ही मिलते हैं। जैसे आप इस गाड़ी को चार्ज करने जाते हैं तो इसकी जो लिड है वो आप लोग को यहाँ लेफ्ट साइड में मिलती है और ये ऐसे बाहर से दबाने से ओपन नहीं होती है। ये देखो अनलॉक कर दी तब भी जो है ये लिड आपकी बाहर से ओपन नहीं होगी। बैक प्रोफाइल में जैसे आप देखोगे तो पूरी कनेक्टिंग वाली टेल लाइट यहाँ पे मिल जाती है जो कि ग्लो होती है तो बहुत ज़्यादा तगड़ी सी लगती है। और जिसका स्टॉप लैंप है वो यहाँ बीच की तरफ में दिया गया है, पीछे की तरफ में आप लोग को डिफोगर भी मिल जाता है। और जो वाइपर की प्लेसमेंट है वो यहाँ अंदर की तरफ में की हुई है, पीछे की तरफ में दो पार्किंग सेंसर आप लोग को मिल जाएंगे। और कैमरे की क्लैरिटी ना अंदर जाके ही चेक करा दूंगा। भाई इसकी जो लाइट है ना वो भी है ऑलमोस्ट ब्लैक सी ही कर रखी हुई है, लाइट इसकी बंद हो जाए ना तो पूरी ब्लैक ब्लैक सी गाड़ी लगेगी, देखने में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सी ये गाड़ी लगने वाली है। टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप लोग को मैग्नेटिक स्विच भी मिल जाता है। इसके अंदर मिलता है 350 लीटर का बूट स्पेस। जो इसकी सेकंड रो की सीट है वो आप लोग की 60-40 स्प्लिट मिलती है। पार्शियल ट्रे भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है, पीछे की तरफ में सबवूफर भी आ जाता है, यहाँ पे आप लोग को बूट लैंप भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। स्पेयर व्हील भी जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, पर ये आप लोगों को कोई अलॉय व्हील यहाँ पे नहीं मिलता है। 215/60R16 इंच का टायर सेक्शन मिलता है, टायर पंचर की मोबिलिटी किट मिल जाती है, ये यहाँ पे इसकी चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, मतलब जो केबल्स वगैरह है ना वो इसके अंदर में बैग में प्लेस की हुई है। बाकी जो इस गाड़ी के अंदर में टायर्स दिए गए हैं ना ये भी आप लोग को MRF के मिलते हैं और इसके अंदर में सेक्शन है 215/60R16 इंच का ही यहाँ पे मिलता है। जो इसके ड्राइवर साइड है सिर्फ यहीं पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। टेलगेट इज ओपन, भाई देखो टेलगेट ओपन पड़ा है तो ये बताने भी लग रही है ये वाला ऑन, प्लीज चेक। अबे भाई ले तेरी टेलगेट ही बंद करता हूँ मैं पहले तो। ये देखो लाइट्स ऑन,
प्लीज चेक। ले भाई लाइट भी ऑफ कर दी। अब जैसे आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये यहाँ पे पूरा लेदर का यूज इसके अंदर मिल जाएगा। ऑल ब्लैक कलर का यहाँ पे पूरा डोर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ रिफ्लेक्टर मिलेगा, चार पावर विंडो के स्विचेस हैं और जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं ये भी ऑल ब्लैक के अंदर में दिए गए हैं। और टाटा की भाई पता ही आप लोग को, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स दिया गया है, रूफ भी ऑल ब्लैक है, जो गाड़ी की सीट्स हैं वो भी यहाँ पे ऑल ब्लैक की ही दी गई हैं। जो इसके ड्राइवर वाली सीट है और जो पैसेंजर वाली सीट है ये आप लोग को दोनों वेंटिलेटेड मिल जाती है। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री ऑल ब्लैक कलर के साथ में, हैशटैग डार्क की यहाँ पे बैजिंग भी आप लोग को मिल जाती है। डैड पेडल भी जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। अब दिखाते हैं भाई इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ है। जैसे आप इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील देखोगे ना, ये आप लोग को टू स्पोक में मिलता है, इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो है। इस साइड में म्यूजिक सिस्टम के आप लोगों के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस साइड में जिसकी MID है और क्रूज कंट्रोल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। पूरी डिजिटल में डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है। इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ये आपकी ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आपकी व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गई, एनर्जी एनालिसिस है, मीडिया क्या आपका चल रहा है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, नेविगेशन है। जैसे आप इसके अंदर में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चलाओगे ना, एप्पल के अंदर में जो उनका मैप होता है वो आपका यहाँ पे चलेगा, ना कि इसके अंदर में गूगल मैप वाला आपका नहीं चलेगा। ये इसके अंदर में नोटिफिकेशन है, ये एनर्जी इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर से सेटिंग जो है यहाँ पे आ गई। और जैसे आप ये चीज़ देख रहे हो, ये इसके अंदर में यहाँ पे पैडल शिफ्ट नहीं दिए गए हैं, ये इसके रीजन के लिए दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ पे करना, मैं इसको प्लस करूँगा ना, ये देखो प्लस में लेवल 2 और लेवल 3। ये जैसे आप हाईवे पे चलाओगे तो जो है ये इतनी बैटरी नहीं बचाएगा, पर जैसे इसको ट्रैफिक में चला रहे हो ना तो आपकी बैटरी जो है यहाँ से चार्ज हो जाएगी। ऑटो हेडलैम्प भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और स्टेयरिंग व्हील जो है इस गाड़ी का आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं, टेलीस्कोपिक ही नहीं आते, यानी कि आप इसको रीच नहीं कर पाओगे। 12 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले भी यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी क्लियरिटी के भाई क्या ही कहने, एक नंबर की जो है इस गाड़ी के अंदर में क्लियरिटी मिलती है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसकी बैक कैमरा क्लियरिटी। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि यार इसके अंदर में कैमरा ही फिट कर दिया हो, बहुत तगड़ी यहाँ पे कैमरा की क्लैरिटी दी गई है। अभी ये वाला डोर ना मेरे यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, इस वजह से जो ये चीज़ है यहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिखा रहा है। और इसके अंदर में ना ये चीज़ बहुत तगड़ी है, देखो रेस्पॉन्स देखो, बिल्कुल मक्खन मलाई जिसे कहते हैं ना वो रेस्पॉन्स है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, ये सारे देखो टच रिस्पॉन्स के काम करते हैं, ये कैमरा के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, टेलीगेट के लिए, हैजार्ड लैंप के लिए, हिल डिसेंट के लिए, फॉग लैंप के लिए, और चार्जिंग गन को अनलॉक करने के लिए। बाकी जो नीचे वाले बटन्स हैं ये भी आप लोग के टच रिस्पॉन्स के साथ ही काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग को 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB और एक सी टाइप भी आप लोग को मिल जाता है। गियर नॉब देखने में बड़ा तगड़ा से दिया गया है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, 3 ड्राइव मोड है, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मोड, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दी गई है, आर्मरेस्ट भी आता है, बट ये फिक्स ही इसके अंदर मिलता है। स्पेसिंग भी है गाड़ी के अंदर में ठीक मिल जाती है, ऊपर की तरफ में हार्ड है, बीच में यहाँ पे आप लोग को लेदर का यूज़ मिल जाएगा, बाकी नीचे की तरफ में गाड़ी में हार्ड ही आप लोग को मिलेगा। जिसका ग्लो बॉक्स है अच्छा डीप से यहाँ पे मिलता है, और ये इल्यूमिनेटेड जो है आप लोग का आ जाता है। विजिबिलिटी वाइज बात करें तो अभी सीट मेरी पूरी ऊपर नहीं है, एक बार सीट को ऊपर कर लेता हूँ। भाई काफ़ी ऊपर चली गई, तो भाई ऊपर करने के बाद में सीट डैशबोर्ड से ऊपर पोजिशन आ चुकी है, बोनट यूँ है इस गाड़ी का दिख रहा है, ऐसे नहीं है कि पूरा एज दिख रहा है, यूँ है दिख रहा है, मज़ा आएगा। और कमांडिंग पोजीशन तो गाड़ी को ड्राइव करने में मज़ा आएगा, सीटों की चौड़ाई, बकेट फिटिंग, लेग रूम यूँ है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है। और साइड विंडो से मेरी ऊपर वाली पोजीशन यहाँ पे हो रही है, तो मैं कंफर्टेबली जो है इस गाड़ी के अंदर में बैठ के ड्राइव कर सकता हूँ। और इस गाड़ी के अंदर में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, मतलब हर एक चीज़ बोलती है, हेडलाइट जलिए तो बोलिए, टेल लाइट जलिए तो बोलिए, कोई खिड़की खुली है तो बोल दिए, हर एक जगह बोलती है। और JBL के स्पीकर जो हैं आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। अब सेकंड रो में दिखाता हूँ भाई कैसे का मामला है। जो ड्राइवर वाली सीट है ऑल द वे बैक कर रखी है, उसके बाद दिखाएंगे कैसे नी रूम लेग रूम है। पेट्रोल डीजल जैसे आप कंपेयर करोगे ना, तो इसके अंदर में थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम मिलता है, क्योंकि जो इसका फ्लोर है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। फर्स्ट रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेकंड रो में भी आप लोग को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि 2 ग्लास होल्डर के साथ में आता है। पावर विंडो का स्विच भी है, स्पीकर है, और ट्विटर भी जो है आप लोग को गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। पीछे की तरफ में एयर के वेंट जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, और चार्जिंग के लिए एक सी टाइप सॉकेट मिलता है। ऑल द वे बैक करने के बाद भी 6 फुट मेरी हाइट है, फिर भी जो नीज है ना, मतलब यूँ है मैं बैठ के जा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में बैठोगे ना तो जो नी रूम है वहाँ पे कम हो जाता है। अंडर थाई सपोर्ट यूँ है, फ्लोर ऊपर होने के बाद भी मैं इसके अंदर में कम्फर्टेबल बैठ पा रहा हूँ। और ऊपर की तरफ में सनरूफ भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है, पर पीछे की तरफ में यहाँ पे कोई रीडिंग लैंप्स जो है आप लोगों को नहीं मिलेंगे। 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है ना, वो
243 bhp और 215 nm के टॉर्क निकालेगा और 465 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। बाकी आप इसको रोड्स पे चलाओगे तो 370-380 किलोमीटर इजीली आप लोग की निकाल के दे देगी। सर्दियों में चलाओगे, बिना एसी चलाओगे, लाइट फुट चलाओगे, ट्रैफिक में चलाओगे तो यूँ 400 की रेंज भी जो है ये गाड़ी आप लोग को ईजिली निकाल के दे देगी। तो भाई ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।